एक बड़ी खबर आई है जहां एयर इंडिया पर 30 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाने पर डीजीसीए ने पायलट को सस्पेंड भी करने का आदेश दे दिया है। वहीं डीजीसीए ने दुबई दिल्ली उड़ान दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा मामले में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर से एक के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की दुबई दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को हटाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। 27 फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली से दुबई जा रही थी, इस दौरान फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने यात्री के रूप में यात्रा कर रहे एयर इंडिया के कर्मचारी को क्रूज के दौरान कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी थी, जो डीजीसीए के नियम का उल्लंघन था। सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर अब 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है।